देवोलीना ने मनचलों को लगाई फटकार। जापानी महिला के साथ हुई घटना पर फूटा देवोलीना का गुस्सा। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना इस समय सुर्खियों में आ गई है। दरअसल देवोलीना का गुस्सा इस समय मनचलों पर फूट रहा है और देवोलीना ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट करके मनचलों को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल होली के दिन जापानी महिला के साथ हुई बदतमीजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसी वीडियो को देखकर देवोलीना का गुस्सा फूट गया और देवोलीना ने मनचलों को कड़ी फटकार लगाई है। सोशल मीडिया पर किए गए लगातार ट्वीट्स आप पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर देवोलीना ने लिखा है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार गलत है, वो भले ही किसी भी दिन हो, कोई भी स्थान हो या कोई धर्म हो या कोई भी त्योहार हो, हर दिन एक दूसरे गली में, दूसरे घर में, पड़ोस में कोई ना कोई औरत, लड़की या बच्ची पीड़ित हो रही है, कुछ करते हो आप इनके लिए। वही दूसरे ट्वीट में देवोलीना ने लिखा, आए दिन रेप केसेस, छेड़खानी, मारपीट होते रहती है, आवाज उठाते हो उनके लिए, वो भले ही किसी धर्म के हो या कोई भी त्योहार मना रहे हो, जिनको गलत करना है वो करते ही हैं, वो भले ही यहाँ हो या दूसरे देश में। तीसरे ट्वीट में देवोलीना ने लिखा, पर अब लग रहा है तुम जैसों की समस्या लड़कियों के साथ गलत हो रहा है ये नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है किसी तरह से किसी धर्म के त्योहार को कैसे गलत साबित किया जाए। एक दो वीडियोस तो 2-3 साल पुराने भी हैं उसमें से खैर। चौथे ट्वीट में देवोलीना ने लिखा, एक तो जीजा साली का वीडियो है, जो कुछ भी हुआ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो उसकी दीदी, रिश्तेदार सब सामने थे और इरादतन वो वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाया भी गया और पोस्ट भी किया गया। वायरल क्यों हुआ? क्योंकि होली के दिन हुआ। अगर कोई और दिन होता तो मान लो बच्ची को सही नहीं लगता और वो केस करती तो उस बच्ची पर ही सवाल उठता। पांचवे ट्वीट में देवोलीना ने लिखा, उसके जीजा पर नहीं उसकी दीदी पर सवाल करते लोग और ऐसे केस आए दिन होते रहते हैं, मगर 2 साल बाद भी वो क्यों वायरल हुआ? क्योंकि होली का त्योहार है। छठे ट्वीट में देवोलीना ने लिखा, अब धीरे धीरे दिवाली, दुर्गा पूजा, गणपति सब पर कैसे क्या आएगा, अभी से वीडियो ढूंढना शुरू करना, बस एक बात ध्यान में रखना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं सबसे पहले वही उसमें गिरते हैं, दूसरों के त्योहार का मजाक बनाते बनाते कभी खुद की नैया ना डुबो देना। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जापानी महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर देवोलीना का गुस्सा मनचलों पर फूटा है और देवोलीना ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।